नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनएल बागड़ी फ्रॉम अचरोल। इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम ए प्रेयर माय फॉर डॉटर्स पढ़ रहे थे, डब्ल्यू बी हिट्स की। तो उसका जो स्टेंजा था, फिफ्थ पार्ट है ये, उसका स्टेंजा हमने कर लिया, जो कंटिन्यू थे हम। आज उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। कहाँ से किए थे हम? यार चूज तो यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और शेयर कर देवे। हम यहां तक पढ़ लिए थे यट चूज प्लेड द फूल, प्लेड द फूल। यहां तक हमने इसका समझ लिया था क्या था इसमें, क्या मैटर था। आज इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन आज हम लिखेंगे। तो नोटबुक निकाल लीजिएगा और साथ साथ करते जाएगा, मैं समझाते जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। बाकी जो चीज आप बिल्कुल आसान तरीके से इजी वी लैंग्वेज में हम करते हुए चल रहे हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ की, उनका भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किया है इसमें जो पिछले पार्ट थे। आगे भी ऐसे चलते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत अच्छे मैटर आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे भी कुछ मन के अंदर ऐसा हो कि हाँ कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मुझे भी लगे कि वास्तव में कुछ है, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाने की कोशिश करें आप, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से आपको, बहुत कुछ जो आपने सोचा नहीं होगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। रेफरेंस, सबसे पहले क्या रेफरेंस, अब रेफरेंस समय सेम था इसमें, जो पिछले पार्ट थे उनमें भी वही, इसमें भी वही रेफरेंस। रेफरेंस प्रत्येक पोएम का सेम होता है, चाहे कितने ही पार्ट क्यों ना हो, उसका चाहे 100 क्यों ना हो, 50 पार्ट क्यों ना कर ले, हम रेफरेंस सब में क्या चलेंगे, सेम चलेंगे। तो इसमें भी वही रेफरेंस, दीज आर लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर्स कंपोज्ड बाय डब्ल्यू बी यीट्स, ये इसका क्या था, रेफरेंस था। अब बात करें कॉन्टेक्स्ट की। अब देखो कॉन्टेक्स्ट कुछ कुछ जो लगभग सेम स्टेंजाज है, कुछ कुछ लाइनें होती है जिनका कॉन्टेक्स्ट सेम लिखा जाता है, यानी जो बिल्कुल वो उसी के लेवल पर होती है। अब जैसे इसमें पिछले पढ़े कईयों में हमने लिखा था कॉन्टेक्स्ट मैंने, और कईयों में नहीं लिखा, फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया कि ये पिछले वाला का जो कॉन्टेक्स्ट था वही इसमें होगा। तो ऐसे ही इसमें लगभग समय सेम चलेगा, तो इसका हम लिख देते हैं। इस यट चूज का इसका थोड़ा अलग है, तो लिखो इसमें कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट यीट्स प्रेस टू गॉड, टू टू गॉड, कि इस पॉइंट में यीट्स क्या करता है, प्रार्थना करता है, किससे, गॉड से, किसके लिए, टू टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम मैनी एविल्स, मैनी आ गया ना, एविल ऑफ द प्रेजेंट of the present civilization, civilization कि कभी प्रार्थना करता है अपनी बेटी, भगवान से अपनी बेटी के लिए, कि मैनी एंड एविल, कई बुराइयों से रक्षा करे, कौन सी, ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, जो वर्तमान की जो सभ्यता है उसमें जो कई बुराइयां है उससे रक्षा करे मेरी बेटी की, इसलिए कवि क्या करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, ठीक है। द पोएट थिंक्स
पॉइंट थिंग्स कवि सोचता है द एंड ऑफ द प्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन कि कवि सोचता है कि इस वर्तमान सभ्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा. इन दिस सिविलाइजेशन there is anarchy and lawlessness. ये इसका क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया किसका, यहां रेफरेंस यटचोस से लेके प्लेट द फूल तक. अब इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन. ये उतार लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, वीनस जो महारानी थी, जो बहुत सुंदरी थी, वीनस वाज ए ग्रेट ब्यूटी क्वीन. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट की पॉइंट के अनुसार वीनस वाज ए ग्रेट ब्यूटी क्वीन की बहुत ही सुंदरी रानी थी. कौन? वीनस वो स्प्रिंग जो वो sprang from the form of the sea. And being fatherless, यानी वो समुद्र के झाग से पैदा होती है. कौन? वीनस की राजकुमार रानी. और वो फादरलेस थी, पिता विहीन थी. could have her way choose a lamb iron smith एक लंगड़े लुहार से शादी करती है फॉर हर हस्बैंड. फिर इफ इट नाउ एविडेंट that great beauties eat with their food such salad. आ गया ना सलाद. ऑफ प्राइड यानी घमंड का प्राइड. ओ सॉरी, घमंड का जो सलाद खाती थी वो ऐसे लगता था उसे
कि कह रहा कि दैट ग्रेट ब्यूटी इज इट, वो बहुत इतनी सुंदरताएं खाती थी, विद देयर फूड, खाने के साथ इतनी सुंदरताएं खाती थी, सच जैसे वो सलाद, घमंड का क्या खाती हो, सलाद खाती हो, ऐसी वो खाती थी. प्राइड एज मेक देम क्रेजी, जो उसे क्या बना देता है, बावला बना देता है. मेक देम क्रेजी, क्रेजी का अर्थ बावला या पागल. मेक देम क्रेजी, जो उसे पागल बावला बना देता है. देयर क्रेजीनेस, उसका जो बावलापन है. देयर क्रेजीनेस, देयर क्रेजीनेस, जो उसका बावलापन है वो उसे क्या कर देता है. देयर मैरिटल हैप्पीनेस, उसकी जो वैवाहिक जो जीवन है, उसका जो वैवाहिक जीवन है कि क्रेजीनेस, देयर मैट्रियल या मैरिज लाइफ ऐसे भी कर सकते हैं उसे, या मैट्रियल मैट्रियल हैप्पीनेस, जो सुख है, वैवाहिक जो सुख है उसको क्या कर देता है, इज रनिड, नष्ट कर देता है. इस रनिड, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, कि उसका जो बावलापन है वो उसे इसके नष्ट कर देता है, वैवाहिक जीवन को. यहां तक उतारिएगा इसको. आगे करते हैं, यहां से ऊपर से कॉन्टेक्स्ट में क्लियर कर देता हूं. The poet does not want, the poet does not want that his oven daughter should be an extremely extremely beautiful woman. Beautiful woman like Helen of Troy. Helen of Troy. वो Helen of Troy की तरह लगती थी. The poet's oven expresses experiences with mud, gun. Make these
lines doubly personal. ये लाइन क्या है, पर्सनल बनाई गई है मैकगन द्वारा. द पोइट प्रेज दैट, द पोइट प्रेज दैट हिज डॉटर हिज डॉटर मे बी पर्टिक्युलरली पर्टिक्युलरली गिफ्टेड विद कर्टियसी शिष्टाचार पूर्वक ये विशेष रूप से क्या उसको गिफ्ट में मिली है. शिष्टाचार कर्टियसी विद पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉर हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से रहे हुए हैं. इस कारण ये इंग्लिश मीडियम वालों की अच्छी रहती है राइटिंग, हिंदी मीडियम वालों की लगभग सब ब्लैक बोर्ड पे तो ऐसे ही रहती है. नोटबुक में तो फिर भी वो चेंजेस कर जाते हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड पे हर बार राइटिंग नहीं बैठ पाती क्योंकि इसमें ना तो लाइनदार होती है. फॉर हर्ट्स ऑफ लवर्स आर नॉट टेकन as a gift by those who are not fully beautiful lovers hearts are won by them by virtue of their good manners. ये यहाँ तक खत्म हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. ये था इसका एक्सप्लेनेशन. तो देख लीजिएगा यहाँ तक मैं क्लियर कर देता हूँ इसको. और बिल्कुल इजी वे में लिखा गया है, बिल्कुल एक दो बार देखोगे आप याद हो जाएगा ये जल्दी से. तो आप बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें क्योंकि हर बार बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, सीखने को मिलेगा. ऐसे ऐसे टॉपिक आपके सामने आएंगे जो आज तक आपने इंग्लिश लिटरेचर में नहीं पढ़े, तो उन चीज़ों को मैं सामने लेके आऊँगा आपके. बार बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि पहली बार इस चैनल पर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर जो वीडियो आए आप सबसे पहले आपके पास आए. तो ये थी आज की क्लास. नेक्स्ट क्लासेज में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे. तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.